आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिलेबस के बारे में, राइटिंग स्किल और टाइम मैनेजमेंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो राजस्थान विश्वविद्यालय का बीए प्रथम वर्ष का पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार ये प्रथम पेपर का नाम है। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सिलेबस को 100 नंबर में आपके बांटा गया है और तीन इकाइयों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन इकाई फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इकाई फर्स्ट में कौन कौन सी बातें इसमें बताई गई हैं? इसमें बताया गया है राजनीति विज्ञान, विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण। उसके बाद है व्यवहारवाद, वे उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद वे उत्तर व्यवहारवाद। तीसरा है अंत है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंत है अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। फिर इसी में दिया गया है शक्ति सत्ता व वैधता। ये जो बातें हैं ये आपके पहले इकाई में डिफाइन की गई हैं। ये पहले इकाई में आपको ये सब चीजें पढ़नी हैं। इसके बाद इकाई दूसरी इकाई की हम बात करते हैं। दूसरी इकाई में आपके जो बताया गया है वो है राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास। इसके बाद है राजनीतिक दल, दबाव समूह,
लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, वे अधिनायक तंत्र। विधि का शासन, संविधानवाद, विधि का शासन व संविधानवाद, शासन के अंग, यहां शासन के अंग से तात्पर्य है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये आपको सेकंड इकाई में आपको ये सिलेबस जो है ये टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। चलिए इसके बाद इकाई थर्ड के अपन बात करते हैं। इकाई थर्ड में की जब अपन बात करते हैं इसमें विचारधाराएं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं। अब वो विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, जैसे हो गया आपकी मार्क्सवाद, अराजकतावाद, अराजकतावाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। और दो तीन साल से एक टॉपिक और जोड़ दिया है सिलेबस में, वो है नारीवाद। ये सब चीजें आपको, ये टॉपिक आपको तीसरी इकाई में पढ़ने हैं। ये तो होगी आपकी सिलेबस की बात। ये जो तीनों इकाइयां हैं 100 नंबर में विभाजित की गई हैं, और तीनों इकाइयों में जो जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर लिखाए हैं वो आपको पढ़ने। यानी सीधी सी बात यह है कि जो ये पार्ट फर्स्ट का पेपर आएगा वो इन टॉपिक में से आएगा पूरा, इन्हीं में से आपको सवाल पूछे जाएंगे। चलिए ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब इसके बाद अपन बात करते हैं राइटिंग स्किल, यानी कि आंसर आपको किस प्रकार से लिखने हैं। टोटल पेपर जो है आपका वो 100 मार्क्स का है, और 3 खंड में आपको पेपर को बांटा गया है। यानी कि जो पहला खंड है वो आपका रहेगा 20 नंबर का, दूसरा खंड है वो आपका रहेगा 20 नंबर का, और तीसरा है वो आपका है 60 नंबर। टोटल 100 हो रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है आपका कै, इसमें से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न होगा आपके 2 नंबर का। यानी कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2, यानी कि टोटल हो गए 20 मार्क्स। ठीक है। फिर खंड है, इसमें आपको
चार प्रश्न पूछे जाएंगे, चार प्रश्न पूछे जाएंगे और पांच नंबर के होंगे। यानी कि टोटल 20, यानी कि पांच नंबर का एक क्वेश्चन इसमें हो गया। और जो खंड गृह है उसमें से आपको पूछा जाएगा 60 नंबर का निबंध भाग, यानी कि 20-20 नंबर के तीन नंबर, तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20-20 के, टोटल 60। इस प्रकार से आपको जो पेपर का जो सिलेबस है उसको डिफाइन आपको किया गया है 100 नंबर में से। ठीक है, नोट कर लीजिए ये चीजें। तीसरी पर बात करते हैं, परीक्षा के दौरान समय प्रबंध किस प्रकार से है। सबसे मोस्ट बात यह है कि 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट कैसे हो। लगभग 70-80% बच्चों के साथ ये समस्या रहती है कि 3 घंटे के अंदर पूरे इसका पेपर हो, अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, इसकी वजह यह है कि साल भर तक वो लिखने की प्रैक्टिस करते नहीं है और परीक्षा के दौरान जाते हैं और उनकी राइटिंग और जो टाइम मैनेजमेंट है वो दोनों ही समय पर नहीं हो पाता। तो सबसे पहले बात यह है कि जैसे अपनी क्लास स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले अपन कोशिश करें लिखने की। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाया तो हमेशा किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका है कि उसको लिख कर याद कर, उससे समझने में याद करने में आसानी रहती है, प्लस लिखने की जो आपकी शैली है वो तो लगातार अच्छी बनी रहती है। तो किसी भी चीज़ को लिख कर जो याद करना है, लिख कर पढ़ना वो सबसे बेस्ट है। दूसरी बात यह है कि परीक्षा में अंक कैसे प्राप्त किए जाएं। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको मार्क्स भी लाने जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 20 नंबर का जो नोटैक वाला है उसमें 10 क्वेश्चन हैं आपके। तो एक इंटेलिजेंट बच्चे की यही खासियत होती है कि सबसे पहले वो अगर अपनी कॉपी में स्टार्ट करेगा तो किसी भी खंड को पहले करेगा। लेकिन सबसे पहले मेरी राय ये है कि सबसे पहले जो आपको पेपर में दिया गया है खंड तय, उसको सबसे पहले आप स्टार्ट करें। तो जैसे आपके छोटे क्वेश्चन हैं उनकी शब्द सीमा है 20 शब्दों में, लगभग 15-20 या 25 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो, और जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति की परिभाषा आपको लिखनी है, तो सीधा आपको सिर्फ इतना ही लिखना है रॉबर्ट बायस्टेड शक्ति के बारे में ये परिभाषा देता है और क्वेश्चन है आपके 2 नंबर। तो अगर आपने सही बात लिखी है और बढ़िया राइटिंग में लिखा है तो टीचर उसमें से आपको 2 में से 2 नंबर देने की कोशिश करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मार्क्स भी आपके जो छोटे क्वेश्चन है उसी में से आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 20 में से जैसे मान लो 17-18 नंबर आपने प्राप्त किए हैं और टोटल जैसे मैं आपकी बात करूँ कि आपको प्रथम श्रेणी प्राप्त करनी है तो प्रथम श्रेणी के लिए आपको चाहिए 60% आपको मार्क्स लाने हैं। तो अगर आपने बताया कि 17-18 या 20 में से 20 आपने बिल्कुल 10 क्वेश्चनों के सही आंसर दिए हैं या एक दो गलत हो गए, तो 17-18 नंबर तक आप लाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो टाइप की बात करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं अपन जो 150 शब्दों में आपको पूछे जाने हैं। 150 शब्द, 150 जो शब्द आपको लिखने हैं वो क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के 4 प्रश्न, यानी कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखने हैं। 150 शब्द जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी 40 पेज की है तो लगभग 1 या 1.5 प्रश्न, लगभग 1 या 1.5 प्रश्न आपका लगभग 150 शब्द कवर करता है। ठीक है, इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न में आपको जो बात पूछी गई है वो ही आपको उसमें बात लिखनी है, अदरवाइज दूसरी बात उसमें आपको नहीं जोड़नी है। आप हमेशा याद रखिए कि टीचर जो है वो आपकी शक्ल वगैरह नहीं जानता, आप गोरे हैं, आप काले हैं, लंबे होंगे, गहरे हैं, आपको वो कॉपी के माध्यम से जानेगा, ठीक है। और आपको कॉपी को बिल्कुल सुंदर और अच्छी सरल भाषा में लिखना है। आप ये चीज आप ध्यान रखिए, टीचर जितनी सरलता पूर्वक कॉपी जांच करेगा, आपकी कॉपी को समझ पाएगा, उतने ज्यादा नंबर लाने सरल है। कॉपी में मार्क्स लाने के लिए यही तरीका है कि टीचर आराम से क्वेश्चन को समझ जाए, बच्चा कौन से क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है ये उसको जल्दी समझ में आना चाहिए, और किस बात क्या पूछी जा रही है वो उसका आंसर बच्चा क्या लिख रहा है, ये चीजें जरूरी है, ठीक है। तो लगभग मैंने बात बताई एक या डेढ़ प्रश्न इसमें काफी है। तीसरी बात अपन करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन जो आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें एक का अथवा एक रहेगा, यानी कि टोटल तीन क्वेश्चन, तीन खंडों में छह क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको तीन क्वेश्चनों के उत्तर आपको उसमें देंगे। तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, तो दूसरे खंड में इसका अथवा एक होगा, ठीक है। तो 20 नंबर में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एग्जामिनर कभी भी आपको इसमें से 20 नंबर नहीं देगा, 15-16 तक काफी हो जाता है। तो लगभग आप इसमें कोशिश करिए, अगर कोई चार्ट है, कोई मॉडल पूछा है, या आप उसमें टेबल बना सकते हैं तो वो बनाने की कोशिश कीजिए, एग्जामिनर को प्रभावित करने की कोशिश कीजिए, उसको विवश कीजिए कि वो आपके क्वेश्चन में अधिक से अधिक आपको नंबर दे सके। तो लगभग 15 तक आप जैसे पहुंच जाते हैं, 15-16 मार्क्स तक क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करते हैं, तो लगभग आपके 70% नंबर बनने की कोशिश हो जाती है, लगभग इतने आंकड़ों तक आप पहुंच जाते हैं। तो ये बात हो गई। तीसरी बात आती है कि अगली बात आती है कि जैसे मान लीजिए आपने निबंधात्मक क्वेश्चन करनी है, लेकिन रात जो आखिरी वाला निबंधात्मक है तब तक आपके पास इतना समय नहीं बचता कि आप तीनों निबंधात्मक क्वेश्चनों को आसानी से कर सके। चलिए मान लीजिए आपके पास समय नहीं रहा, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आप अटेंड कीजिए, चाहे वो कम शब्दों में ही आपको आंसर देना पड़े, लेकिन उसको कोशिश करनी चाहिए, अधिक से अधिक उसको आप अटेंड करें। एक बच्चों के सामने दूसरी अगली समस्या ये आती है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि 3 घंटे में वो अपना पेपर पूरा नहीं कर पाते, समय 3 घंटे का है, मार्क्स 100 हैं और 40 पेज की आपकी कॉपी है। तो समय का थोड़ा ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आधे घंटे शुरू वाले आधे घंटे में आप 10 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको 10वें से लगातार 10वें से 6 नंबर का नहीं आ रहा, 7 नंबर का नहीं आ रहा, 8 नंबर का नहीं, उससे अगले वाला आपको आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको लेके मत बैठिए। जैसे मान लीजिए शुरू वाले 4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 5 नंबर का नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दीजिए, उसकी जगह छोड़ दीजिए, अगले वाला क्वेश्चन आप अटेंड करिए, ठीक है। इससे आपके समय की काफी बचत होगी। फिर दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहे, 3 नहीं आ रहे, तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चनों को आप क्रम से करने की कोशिश कीजिए। तो शुरू वाले आधे घंटे में अगर आपने मोटा 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 10, तो उससे अगले आधे घंटे में आप 150 शब्दों वाले क्वेश्चनों को कीजिए, जो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 20 नंबर के, उस शुरू अगले आधे घंटे में आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आपके जो शुरू वाला जो 1 घंटा है उसमें आपके जो लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर समय बचता है 2 घंटे। अब 2 घंटे में आपको 60 मार्क्स की क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, ठीक है, 60 मार्क्स की क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। तो वो किस प्रकार से कंप्लीट किए जाएंगे 60 मार्क्स के,
तो 2 घंटे में अगर आपके पास समय बचता है तो 2 घंटे में कोशिश करो कि 60 नंबर में से कम आपके 40-45 नंबर तक आपके आसानी से आ सके। कोशिश की जैसे मान लीजिए 2 घंटे में आपने शुरू में 1 घंटे में ट्यूशन कीजिए, बाकी अपनी स्पीड को बरकरार रखते हुए उन 2 प्रश्नों के आंसर भी उस यानी कि अगला जो घंटा है उसमें आधे आधे घंटे में प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आप लगभग 65% या 70% मार्क्स तक आप उसमें पहुंच सकते हैं आपकी परसेंटेज में। तो इस प्रकार से इन तीनों बातों का ध्यान रखिए, 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, सिलेबस, परीक्षा से सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है सिलेबस क्या है, आप अपने पेपर का सिलेबस देखें, सबसे पहले अपने माइंड में उस चीज़ को सेट करें कि आपको पढ़ना क्या है। अधिकतर बच्चों के साथ यही समस्या रहती है कि उनको सबसे पहले अपने सिलेबस का मालूम ही नहीं रहता और वो उसका खामियाजा के रिजल्ट आने के बाद वो करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो, कॉलेज की परीक्षा हो, सबसे पहले उसका सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट में उसका सबसे पहले सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। सिलेबस कितने नंबर का है, कौन कौन सी इकाई में क्या बांटा गया है, ये सबसे पहले आपको जरूरी है। दूसरी बात, परीक्षा में टाइम, समय का ध्यान रखना है। 3 घंटे में आपको अपना पेपर पूरा करना है 100 मार्क्स का, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से उस 3 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। परीक्षा से पहले लिखने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 महीने से आप लिखने की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइम की आपको परीक्षा के तहत समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तीसरी बात, अपन बात करते हैं राइटिंग की। लेखन से हिंदी में लिखते हैं, तीसरी बात है लेखन शैली, आपकी लेखन शैली बहुत प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो लेखन शैली है वो सुंदर होनी चाहिए, कॉपी में काटा कटी नहीं होनी चाहिए, और जैसे जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो उसके समझ में आना चाहिए कि आप कौन से प्रश्न का, कौन से क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, उसको बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए कि स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चन का उत्तर दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। परीक्षा से पहले आपको सिलेबस पूरा मालूम होना चाहिए, टाइम 3 घंटे में किस प्रकार से आपको मैनेज करना है ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, और लेखन शैली राइटिंग स्किल आपको किस प्रकार से लिखनी है ये आपके पुस्तक में होना चाहिए। और ये हमेशा ये जो तीनों चीज़ें हैं जो बातें हैं वो एक इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा अपने जहन में रखता है। तो ये सब चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस 3 इकाइयां हैं, पहला पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का राजस्थान यूनिवर्सिटी का पहला प्रथम पेपर है, उसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। जो आपने सिलेबस में मैंने आपको टॉपिक लिखा है वो आपने 11वीं 12वीं क्लास में भी पढ़े हैं, पहले से पढ़ते आ रहे, काफ़ी टॉपिक हैं, परिचित हैं इन टॉपिक से आप, जो नहीं है वो मैं क्लास के तहत आपको संस्कृत तौर से बताऊँगा। राजनीति विज्ञान के मूल आधार उसमें मैंने सिलेबस में तीन खंड में आपको मैंने बताया है, वो तो सिलेबस आपको याद होना चाहिए, लेखन से भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और टाइम का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे वाली क्लास में सिलेबस के बारे में जो टॉपिक हैं वो आपको मैं चर्चा